नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाला दर्पण पर TC किस प्रकार जारी करते हैं, तो TC किस प्रकार जारी करनी है उसकी संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक से देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, लॉगिन पेज आपके सामने नज़र है। आपको यहां पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला दर्पण का डैशबोर्ड इस प्रकार नज़र आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर विद्यार्थी वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी से रिलेटेड जानकारी नज़र आएगी। तो आपको यहाँ पर TC जारी करनी है, तो यहाँ पर TC जारी करें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर TC इश्यू करने के बाद TC जारी करने हेतु विद्यालयों के लिए निर्देश। तो यहाँ पर TC जारी करने के लिए विद्यार्थी जो विद्यालय हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें। क्या इंस्ट्रक्शन है TC जारी करने के, किस प्रकार आपको सावधानियां रखनी है TC जारी करने में, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। आप इनको अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आप आते हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टू जनरेट TC वाला ऑप्शन नज़र आएगा। आपको TC जारी करनी है तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टू जनरेट TC इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एंट्री जो कृपया ध्यान दें, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ भी दे रखे हैं। आप इनको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लें, इसके बाद ही आप TC पर जो है आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, एक थर्ड नंबर पर पॉइंट दे रखा है, विद्यार्थी चयन की लाइन के कॉलम TC स्थिति में दिनांक आने का तात्पर्य कि विद्यार्थी की TC जारी हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार आपको जो है TC जारी होगी। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, आप विद्यार्थी जिसकी TC जारी करनी है SR क्रमांक दर्ज कर बटन पर क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट के SR नंबर जिसकी आपको TC जारी करनी है, वो स्टूडेंट के यहाँ पर SR नंबर आपको भर देने हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के SR नंबर भर के खोजे हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी नज़र आए, TC बनाने के लिए चयनित विद्यार्थी की लाइन के कॉलम TC स्थिति में दी गई सूचना पर क्लिक करें। जो भी कॉलम TC में दिखते हो उसकी पूर्ति शाला प्रदान अपने स्तर पर करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट के SR नंबर हैं, क्लास जो प्रीवियस क्लास है स्टूडेंट की, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और DOB होगी, आप इनको अच्छे से देख लें। यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम और पिताजी का नाम है और DOB हैं, और यहाँ पर TC स्टेटस हैं। अभी यहाँ पर देखिए, एक्स स्टूडेंट अभी जो है आया हुआ है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, एक्स स्टूडेंट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आगे, तो आपके सामने यहाँ पर देखें, TC जारी करने से पूर्व निम्न को जांच लें। क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है? जो विद्यार्थी का विवरण प्रपत्र है फॉर्मेट 9, उसको पहले आप जब TC निकालते हो तो उससे पहले आपको फॉर्मेट 9 है स्टूडेंट का, वो भरना है। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने भर रखा है, तो यहाँ पर राइट का निशान है। अगर आपका जो प्रपत्र 9 नहीं भरा होगा तो आपको पहले उसको भरना है, उसके बाद ही आपको जो आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर, क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि भरी जा चुकी है? जो विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा है उसकी आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ पर राइट का निशान होगा। इसके बाद ये, क्या विद्यार्थी ने अध्यय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है? अगर स्टूडेंट ने अध्यय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, नो और यस, तो आपको यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगी, स्टूडेंट के SR नंबर, लास्ट सेशन जो भी हैं। देखिए यहाँ पर 2020-21 जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, जेंडर और मदर नेम, फादर नेम, उसकी DOB, स्टूडेंट की कैटेगरी, स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री क्लास जो हैं वो, और स्टूडेंट एडमिशन डेट, ये सभी आप SR रजिस्टर से मिलान कर लें अच्छे से। किसी स्टूडेंट के नाम, माता पिता का नाम, DOB जो भी है, कैटेगरी वगैरह, आप उसका अच्छे से जो है मिलान कर लें। इसके बाद आप TC जारी करें। देखिए, क्लास इन बिच द स्टूडेंट लास्ट स्टडी, जो क्लास है उसकी लास्ट, वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको आगे इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी की TC जारी करने से संबंधित चाहिए गई जानकारी प्रविष्ट करें। यहाँ पर स्टूडेंट की DOB हैं, आप DOB जो SR रजिस्टर से जो है मिलान करके यहाँ पर देख लें। इसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट जो एंट्री क्लास है वो भी यहाँ पर आप हैं वो देख लें, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी क्लास है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा परिणाम, अगर पूर्व विद्यालय की जो अंतिम कक्षा है उसका परिणाम, अगर कोई विद्यालय जो विद्यार्थी हैं वो पूर्व विद्यालय में अगर जो है अध्ययनरत किया है उसने, और उसका जो है यहाँ पर
तो उसको आप यहाँ से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जो भी हैं, अभी मैं इसका एनए कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एडमिशन डेट जो भी हैं वो यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए आप नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग 2020-21। अब यहाँ पर जो कोरोना के कारण कक्षा 1 से 5 के स्टूडेंट की जो स्कूल मीटिंग है वो शून्य ही आएगी, क्योंकि विद्यालय जो है चला नहीं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मीटिंग है स्कूल के वो यहाँ पर शून्य आएंगे। नंबर ऑफ मीटिंग एट बीच प्रजेंट 2020-21 वो भी यहाँ पर शून्य आएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्लास 6 से 8 अगर हैं और उनके आप टीसी जारी कर रहे हैं, तो उनके जो विद्यालय की मीटिंग है तो उनके वर्किंग डे यहाँ पर 51 थे, तो उनकी जो मीटिंग है वो डबल करने के बाद 102 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर 102 आएंगे, कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर शून्य आएगा, और 9 से 12 जो 9th से 12th तक विद्यालय खुले थे कोरोना में, तो वो उनके जो वर्किंग डे थे वो 67 दिन थे, तो उनकी जो मीटिंग आपको यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक जो है कर लेना है, जिनकी भी स्टूडेंट की आपको टीसी काटनी है। तो इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सिस्टम जो ग्रेड प्रणाली है वो आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रमोटेड हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट जो कोरोना के कारण सभी स्टूडेंट को राज्य सरकार द्वारा प्रमोट कर दिया गया है, तो सबके लिए अलग अलग आदेश जारी हुए थे, तो उनकी डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट क्या थी, तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए 1 अप्रैल 2021 जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया था कि 1 अप्रैल 2021 को सभी जो कक्षा 1 से 5 के स्टूडेंट उनको प्रमोट कर दिया गया। क्लास 6-7 के लिए यहाँ पर 15 अप्रैल 2021 जो क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम रिजल्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल 2021 आएगी, और क्लास 8, 9 और 11 के लिए राज्य सरकार ने जो है 10 मई 2021 जो एग्ज़ाम रिजल्ट डेट घोषित की थी। तो यहाँ पर तीनों जो अलग अलग हैं कक्षा 1 से 5, 6, 7 और 8, 9, 11 की एग्ज़ाम रिजल्ट डेट मैंने आपको बता दी है, मैं यहाँ पर उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसको। टीसी रीजन जो भी हैं आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें और यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो टीसी का रीजन है, अन्यत्र अध्ययन के कारण, उच्च अध्ययन के कारण, विद्यालय में संघ का नहीं होने से, विद्यालय के निवास से दूरी, अधिक दूरी, लगातार अनुपस्थित रहने के कारण, माता पिता का स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कारण, जो भी हैं तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी उच्च अध्ययन के कारण कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है कैरेक्टर स्टूडेंट का जो भी कैरेक्टर है, देखिए यहाँ पर उत्तम, मैं उत्तम कर देता हूँ यहाँ पर। लिविंग डेट जो भी स्टूडेंट की लिविंग डेट है वो आप यहाँ पर भर दें, तो मैं इनको यहाँ पर सभी को फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग 00 कर दी है, और प्रेजेंट जो भी हैं वो भी 0 कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट 1 अप्रैल 2021, टीसी रीजन मैंने यहाँ पर कर दिया है, कैरेक्टर और स्कूल लिविंग डेट। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, टीसी जारी करें, बदलाव के लिए ड्राफ्ट, टीसी रद्द करें, वापस जाए। तो मैं यहाँ पर टीसी जारी कर देता हूँ, देखिए टीसी जारी करें। अब देखिए यहाँ पर कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियाँ जाँच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है, तो आप यहाँ पर ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो है यहाँ से क्लोज कर दें आप। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए टीसी स्टेटस, एडिट ड्राफ्ट टीसी और एक्शन, यहाँ पर आपको व्यू एंड कंफर्म टीसी, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो स्टूडेंट की टीसी है वो कन्फर्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का, वो देखिए यहाँ पर टीसी इशू डेट आ गई है, बुक नेम अभी नहीं यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल आप चेक कर लें अच्छे से। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है चेतावनी जो है इसको अच्छे से रीड कर लें। एक बार टीसी बनने के बाद भविष्य में टीसी में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा, ना ही विद्यार्थी की किसी भी सूचना में अद्यतन किया जाना संभव होगा। वापस जाने के लिए कैंसिल बटन पर क्लिक करें और टीसी जारी करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर जो है प्रिंट एवं कंफर्म ड्राफ्ट टीसी, तो यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर प्रिंट कंफर्म टीसी जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर टीसी इशू डेट और जो टीसी नंबर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए उसके जो स्टूडेंट की पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको यहाँ से प्रिंट लेना है तो आप जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर जाकर जो है इसकी प्रिंट ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ।
तो देखिए साथियों, टीसी कंफर्म होने के बाद मैं फिर से वापस विद्यार्थी टीसी जारी करें उसी पेज पर वापस आ चुका हूं और यहां पर स्टूडेंट के ऐसा नंबर मैंने फिर से जो है डाल दिया और यहां पर खोजे पर क्लिक किया। इसके बाद देखिए यहां पर स्टूडेंट का वही नाम और ऐसा नंबर यहां पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए टीसी स्टेटस, जो टीसी स्टेटस में यहाँ पर देखिए दिनांक आ चुकी है। मैंने जो शुरू में बताया था आपको स्टूडेंट के टीसी स्टेटस में दिनांक आने का मतलब है स्टूडेंट की टीसी जारी हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक्शन वाला ऑप्शन नज़र दिखाई देगा, इसमें आप देख सकते हैं कैंसिल टीसी, जिस स्टूडेंट के आपने टीसी जारी की है अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्शन वाले ऑप्शन पर जो कैंसिल टीसी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भी आप जो है टीसी को कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको स्टूडेंट की किस प्रकार टीसी जारी करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ मैं फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।